कवि, इस सुबह के पहले कवि आदरणीय श्री अशोक कुमार पांडे जी दिख रहे हैं। मैं इन्हें रिकॉर्ड मैन कह दूं तो कुछ गलत नहीं कहूंगा। इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, गीतों के रिकॉर्ड, गजलों के रिकॉर्ड, मुक्तकों के रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड पुरुष हैं हमारे लिए। तो आज की सुबह हमारे लिए आरंभ करेंगे आदरणीय अशोक कुमार जी। और इनके लिए मैं ये कहूंगा कि अनछुआ सा अनकहा सा चंदनी एहसास कर दें, अनछुआ सा अनकहा सा चंदनी एहसास कर दें, पीर की पलकों को छू दें तो उसे उल्लास कर दें। आपका स्पर्श पारस की कथा से कम कहाँ है, आपका स्पर्श पारस की कथा से कम कहाँ है, धूल को छू दें तो उसको स्वर्ण का आकाश कर दें। तो धूल को छूकर स्वर्ण बना देने वाले आदरणीय अशोक गुलशन जी का मैं स्वागत करता हूं, मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और इस महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुतियां डालें, अपने हिस्से की संविधाएं लगाएं और आज की इस पावन सुबह को, आज की इस पावन भोर को आरंभ करें। आइए आदरणीय अशोक जी, आपका स्वागत है, आप काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आलोकेश्वर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है मित्र, स्वागत। मैं अपनी रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के मैं आपको एक गीत दे रहा हूँ। गीत बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है क्या साहब, है, स्वागत। जो माँ वीणापाणि की वंदना के स्वरूप मैंने कुछ पुष्प अर्पित किए हैं। कि बिल्कुल नेहा बिल्कुल, शीश मुझे दे दे माँ, बनू आहा, प्रसाद निराला। ओह नेहा शीश मुझे दे दे माँ, बनू प्रसाद निराला। तन मेरा मस्जिद बन जाए, मन बन जाए शिवाला। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जले श्वास में दिया प्यार का, कंचन सी हो काया। हृदय बने माँ मधुबन तेरा, गूंजे गीत अगाया। सात सुरों की धार बहा दे, जीवन हो मधुशाला। नेहा आहा, शीश मुझे दे दे माँ, बनू प्रसाद निराला। वाह वाह, गीत बने तेरा वंदन माँ, पंक्ति पंक्ति हो पूजा। गजल गजल में, छंद छंद में तू हो और न दूजा। ऐसा कीर्ति प्रकाश मुझे दे, जैसे शीतल ज्वाला। तन मेरा हाँ, मस्जिद बन जाए, मन बन जाए शिवाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धर्म साहब, कर, जी धर्म कर्म तेरा चिंतन हो, अर्थ भाव हो माया। सदा मोक्ष की बने प्रदायिनी, रहे ज्ञान की छाया। ऐसा वर दे दे वरदायिनी, बनू सुमिरनी माला। तन मेरा मस्जिद बन जाए, मन बन जाए शिवाला। अंतिम बंद है। तेरी सुधि का दीप जलाऊं, गुण गाऊं नित तेरा। आहा, मानवता की राह चलूं मैं, निश्चल हो मन मेरा। शब्द वाह, शब्द में अर्थ सिखा हो, भाव भाव उजियाला। नेहा वाह, शीश मुझे दे दे माँ, बनू क्या बात, प्रसाद निराला। तन मेरा मस्जिद बन जाए, मन बन जाए शिवाला। जी वाह 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 अशोक जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने माँ वीणा पाणी की बहुत शानदार प्रार्थना की, बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर अशोक जी। और मुझे लगता है कि मुझे नियमित रूप से काव्य पाठ करना है, तो मैं इसी बिल्कुल के साथ एक गीत और देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अनवरत रूप से पढ़ते रहें आप। गीत का शीर्षक है, मुझको कोई पंथ नया दो। वाह, विरही तन श्रृंगार करे क्या, जब वैधव्य आहा, नहीं मिट पाया। विरही ओहो, तन श्रृंगार करे क्या, जब वैधव्य नहीं मिट पाया। इसीलिए मन गीतकार बन, इधर उधर भरमा भरमाया। आहा, अधर अधर प्यार के गान चाहते, यदि तुम भी सुनना चाहो तो मुझको कोई छंद नया दो, मैं गाऊं तुम सुना करो।
आहा वाह संबंधों का संबोधन भी अब तक निश्चित हुआ नहीं, प्रलय अभी तक सैसो ठहरा, किंचित विकसित हुआ नहीं, शब्द शब्द सम्मान चाहते, यदि तुम भी लिखना चाहो तो मुझको कोई शब्द नया दो, मैं बोलूं तुम लिखा करो। बचपन का अल्हड़पन मुझसे जाने किस दिन छूटेगा, तुमसे मैं का गहरा अंतर आखिर कैसे टूटेगा, पांव नया अभियान चाहते, यदि तुम भी चलना चाहो तो मुझको कोई पंथ नया दो, मैं ठहरूं तुम चला करो। और इसका वाह अंतिम बंद है कि जी जी अनुभव अनुभव का अन्वेषी मैं तो ढूंढ ढूंढ थक जाऊंगा, जीवन की पुस्तक में कोई सार न जब तक पाऊंगा, भाव हृदय के ज्ञान चाहते, यदि तुम भी पढ़ना चाहो तो मुझको कोई ग्रंथ नया दो, मैं हाँ बोलूं तुम पढ़ा करो। वाह ये वाह मेरा सुंदर, एक बहुत सुंदर, छोटा गीत। बहुत सुंदर असल जी, बहुत सुंदर। और एक एक और जो है गीत मैं देना चाहता हूँ, ये मेरी एक पुस्तक है सांसों की संविधाएं, जो आहा 2007 में हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर से प्रकाशित है। एक उसी से एक गीत और दे रहा हूं। जी, स्वागत है साहब। जी, भला हो किस तरह संभव, तुम्हारी याद का तर्पण, अभी कुछ याद है बाकी, अभी फरियाद है बाकी, अभी हाँ भूले नहीं हो तुम, अभी बिसरा नहीं हूं मैं। हाय क्या बात है साहब, बहुत सुंदर। जी हाँ, भला हो किस तरह संभव, तुम्हारी याद का तर्पण, अभी कुछ याद है बाकी, अभी फरियाद है बाकी, अभी भूले नहीं हो तुम, अभी बिसरा नहीं हूं मैं, अभी मत यूं करो जल्दी, जरा कुछ देर तो ठहरो, अभी कुछ जाम है बाकी, अभी कुछ शाम है बाकी, अभी मत जिद करो इतना, अभी संवरा नहीं हूं मैं। अभी कुछ लोग आएंगे, मुझे मिलकर उठाएंगे, अभी संयोग है बाकी, अभी कुछ भोग है बाकी, अभी सहमा नहीं है मन, अभी बहका नहीं हूं मैं। भला हो किस तरह संभव, थोड़ी गंभीर रचना है ये, जी जी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बचे हैं दो बंद, वो भी पढ़ देता हूं कि जी कोई बिल्कुल लाए पढ़िए अशोक जी पढ़िए, संग्राम लगता है। है बाकी, अभी हिचकी नहीं आई, अभी चहका नहीं हूं मैं, और कोई डोली सजाएगा, मुझे उस पर लिटाएगा, अभी कुछ होश है बाकी, अभी आहा कुछ जोश है बाकी, अभी बेटा नहीं आया, अभी दहका नहीं हूं मैं, भला हो किस ओहो तरह क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत तुम्हारी सुंदर, याद। बहुत सुंदर अशोक जी, ये बहुत सुंदर, बहुत गंभीर रचना क्या मुझसे बात लिख गई है, जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अशोक और जी। अब मैं जो है कुछ आपको अपने मुक्तक भी सुनाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आपकी गजलें भी हम सुनना चाहेंगे, आपके मुक्तक भी हम सुनना चाहेंगे, बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं, जहां दरिया मचलता है वहां कुछ कश्तियां भी हैं, जलाना मत हमारा आशियाना यह गुजारिश है, हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी हैं, और हुए हैं हादसे इतने,
संवरने से मैं डरता हूँ, तुम्हारे नाम से गुलशन, गजल कहने से डरता हूँ। तुम्हारा दिल है पत्थर का, तुम्हें चिंता नहीं कुछ भी, मेरा दिल मोम जैसा है, पिघलने से मैं डरता हूँ। और एक मुक्तक माँ पर, अगर है आंख गीली तो सुखाती है दुआ माँ की, मुझे गिरने से पहले ही उठाती है दुआ माँ की, बचाती हर मुसीबत से मेरे चारों तरफ रहकर, कनातों की तरह तन करके आती है दुआ माँ की। और देखिए, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा लिख जाते हैं जो शायद समाज को स्वीकार ना हो। ऐसे ही एक मुक्तक में कह गया कि तुम्हारे बिन मेरी तन्हाइयां कम हो नहीं सकती, तुम्हारी याद की परछाइयां कम हो नहीं सकती, भला कैसे गुजर होगा बताओ यार गुलशन का, जवानी में कभी अंगड़ाइयां कम हो नहीं सकती। कम हो नहीं सकती। वाह क्या बात है, ये जवानी और में एक, अंगड़ाइयां कभी कम हो नहीं सकती। जवानी वाह में कभी बड़ाइयां अंगड़ाइयां, भला कैसे तुम्हारे बिन मेरी तन्हाइयां कम हो नहीं सकती, तुम्हारी याद की परछाइयां कम हो कम नहीं हो नहीं सकती, सकती। भला कैसे गुजर होगा बताओ यार गुलशन का, जवानी वहा में कभी अंगड़ाइयां कम हो नहीं सकती। और हमारी प्यास है कितनी इसे बादल समझते हैं, तुम्हारी चाह में हमको सभी पागल पागल समझते हैं, समझते हैं। ये तुम्हारी याद में जो गाल पर हमने लिखी गजलें, ओए होए उसे आंसू समझते हैं, उसे काजल समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है, और वाह कुछ और मुक्तक है कि बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा मौन भी हूं मैं, तुम्हारा ही मुखर हूं मैं, तुम्हारे लब से जो निकले प्यार का एक स्वर हूं मैं, तुम्हारे मन की गंगा में उठे वो ज्वार भाटा हूं, तुम्हारे जिस्म की गर्मी से उपजा तीव्र ज्वर हूं मैं। और मिट सके सब हृदय के संबंध बोलो क्या करें, मिट सके सब हृदय के संबंध बोलो क्या करें, आज बिखरे प्रलय के अनुबंध बोलो क्या करें, क्या करें, जो अभी तक साथ थे दुख में सदा आंसू मेरे, आज सूखे नयन के तटबंध बोलो क्या करें, क्या मिट करें, सके वाह सब हृदय के संबंध बोलो क्या करें। और तुम्हारी याद के मादक नशे में झूम लेता हूँ, तुम्हारी एक झलक खातिर शहर भर घूम लेता हूँ, मगर जब चैन कुछ मिलता नहीं मुझको अकेले में, तुम्हारी दी हुई तस्वीर लेकर चूम लेता हूँ, तुम्हारी दी हुई तस्वीर लेकर चूम लेता चूम हूँ लेता हूं। वाह जी। और बाहों में आ जाओ तुम आलिंगन करने दो, मेरे तप्त हृदय को शीतल चंदन करने दो, वाह मेरी सांसों की संविधाएं तुमको अर्पित हैं, अपनी प्रेम चिता पर मुझको तर्पण करने दो। तर्पण करने दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, और इसी के साथ बहुत जो सुंदर है अशोक जी, बहुत सुंदर। यहां से मतलब प्रेम जोड़ दिया आपने, वाह वाह क्या बात है साहब और सुंदर सुंदर। अश्रु की वृष्टि पर मैंने तुम्हारा नाम लिख डाला, अश्रु की वृष्टि पर मैंने तुम्हारा नाम लिख डाला, नयन की दृष्टि पर मैंने तुम्हारा नाम लिख नाम लिख डाला, डाला।
परिधि पर इस धरा के नाम सब मैंने मिटा डाले, शाश्वत सृष्टि पर मैंने तुम्हारा नाम लिख नाम डाला। लिख डाला। और एक मुक्तक और देना चाहूंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल फिर कुछ दो गीत और गजलें भी, कुछ कविताएं भी बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास है। बिल्कुल सर बिल्कुल, पैंतालीस तुम्हारी मिनट का याद समय है से, आपके जी पास। तुम्हारी बिल्कुल याद से छत पर मेरे सूरज निकलता है, तुम्हारी याद से मेरे शहर में रात होती है, तुम्हें देखे बिना खिलते नहीं है फूल गुलशन में, तुम्हारी याद से अब गांव में बरसात होती है। और इसी के साथ अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको अपनी कुछ प्रतिनिधि और जो जिन पर जो है पाठकों का बहुत ज्यादा जो है हमें सम्मान मिला है, बिल्कुल मैं बिल्कुल वो अशोक जी, अपनी आपको दो प्रतिनिधि गजलें रचनाएं। साथ सुनाना चाहता हूँ, दो गजलें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत आपका। कि बहुत दिन हो गए आंखों में वो मंजर नहीं आते, तुम्हारी याद के चेहरे हमारे घर नहीं आते, तुम्हारी याद के चेहरे हमारे घर नहीं आते, हुआ है हाल ये अपना जो तुमसे दूर हो करके, लिए अब हाथ में दुश्मन कभी खंजर नहीं आते, नहीं आते, और समय वाह के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है, समय के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है, हमेशा जिंदगी में एक से अवसर नहीं आते, नहीं आते। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, ओहो, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं घर आते, नहीं आते, क्या बात है क्या बात है साहब। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं आते, भला कैसे करे अब बात कोई डूब जाने की, हमारी आंख में अशकों के अब सागर नहीं आते, नहीं आते, और हुए हम दर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो, तुम्हारे बाद छत पर अब कभी पत्थर नहीं आते, पत्थर नहीं आते। और न जाने क्या खता कर दी है हमने प्यार में गुलशन, जिन्हें यह जिंदगी सौंपी वही दिलवर नहीं आते। वही मुझे दिलवर नहीं लगता है, आते। जी मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे चुप नहीं हो नहीं जाना नहीं चाहिए कुछ देर के नहीं लिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बहुत शानदार गजलें पढ़ रहे हैं। बताइए, मैं जी, फोटो खींचने का प्रयास कर रहा था आपकी। अच्छा चलिए ठीक है, जी 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 तो जी मैं एक गजल और आपको दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, सुंदर सुना रहे हैं आप, शानदार काव्य पाठ हो रहा है। ये जो मेरी गजल है ये हंस ने भी छापा है, वागर्थ ने भी छापा है, क्या साहित्य बात अमृत है ने भी सर, छापा है, सभी पत्रिकाओं ने बहुत जो है काफी महत्व दिया है मेरी इस रचना को, स्वागत है और साहब स्वागत। ये रचना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि कभी बैठ कर कभी लेट कर चलकर रोए बाबूजी, ओहो घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी, ओहो, कभी बैठ कर कभी लेट कर चलकर रोए बाबूजी, आहा घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी, अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, आहा, अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, इसी बात को मन ही मन में कहकर रोए बाबूजी, बहुत बढ़िया सर, क्या बात नाती पोते बीबी बच्चे, नाती पोते बीबी बच्चे जब जब उनसे दूर हुए, अशकों के गहरे सागर में बहकर रोए बाबूजी, क्या और बात है साहब, शक्तिहीन हो गए, और जब अपनों ने ठुकराया तो पीड़ा और घुटन को तब तब सहकर रोए बाबूजी, क्या बात है और साहब, हर दम हंस। और ये शेर देखिए, हम लोगों के जो भी हम लोग रचनाकार हैं, हम लोगों के दिमाग में कभी कोई शब्द आता है, कभी कोई एक
वाक्य बन जाता है, उसके बाद दो दो पंक्ति बन जाती है, तो कभी वो शेर हो जाता है, कभी जो है दोहा हो जाता है, कभी और ज्यादा बढ़ गया और बढ़ गया तो गजल हो गया, गीत हो गया, इस तरह से। तो ये जो शेर था, मैंने इसी शेर पर ये पूरी गजल कही है, वो शेर मैं आपको दे रहा हूं स्वागत कि स्वागत है सर। हरदम हंसते रहते थे वो, हरदम हंसते रहते थे वो, किंतु कभी जब रोए तो ओहो, सबसे अपनी आंख बचा कर छुप कर रोए बाबू जी, छुप कर रोए और बाबूजी, बहुत तन्हाई सुंदर। में गुलशन की जब, तन्हाई में गुलशन की जब याद बहुत ही आई, तो याद याद में रोते रोते थक कर रोए बाबू जी। क्या ये बात है मेरी साहब, कवि क्या की बात, गजल है, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। आपको इसके साथ मैं मुझे कुछ और अभी पढ़ना है या कुछ ब्रेक नहीं भी नहीं है आप आपके? नहीं, आप अगर देखिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो अलग बात है, वरना मैं तो, आप इतना सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि इसमें कोई व्यवधान आए। आप शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप अनवरत रूप से पढ़ें, कंटिन्यूअसली पढ़ें बिल्कुल। हाँ, जी, अगर तो मैं आपको तो ब्रेक चाहिए, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो अलग बात है, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन यदि आप थके नहीं हैं और यदि आपको ब्रेक नहीं चाहिए तो प्लीज आप अगली गजल सुनाएं। आप बहुत बढ़िया इस वक्त आप फ्लो में है, प्रवाह में, आप बहुत सुंदर प्रवाह में हैं आप। जी, मैं सोचता हूं कि आपको एक अतुकांत कविता वानगी के तौर पे थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सब बिल्कुल सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं आपका अतुकांत स्वागत है। कविता आपको दे रहा हूं कि जी जी बिल्कुल। शीर्षक है परिणति। एक घुटते टूटते, दुखों में पिघलते, सदियों से बिखरते यौवन की कहानी। एक घुटते टूटते, दुखों में पिघलते, सदियों से बिखरते यौवन की कहानी। मेरी बूढ़ी जर्जर लेखनी, कांपते थरथराते हाथों से लिखने को, किसी तरह से याचना करने पर तैयार हुई तो, मगर अपने उपहास को न तैयार हो सके कोई शब्द। और लेखनी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा कर बिखर गई, तब तक यौवन वृद्धावस्था में परिणत हो गया। ये ओहो, परिणति शीर्षक से क्या एक बात है मेरी साहब, क्या बात, क्या कविता, बात है अतुकांत साहब, कविता। जी, क्या अतुकांत बात कह रहे हैं कविताएं सर। मैंने बहुत कम कही हैं, जी, लेकिन ये कविता जो है, देखिए, और एक अतुकांत कविता और है, अंजाम। जी जी मैं जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा जी हूं, और ये 1979 की लिखी हुई रचना है। क्या उस बात है मैंने साहब, 1978 से लिखना शुरू किया, तो जी जी हो जी सकता है कि ये कुछ इसमें त्रुटियां हो, लेकिन फिर भी मैं और चाहूंगा, मेरा आपका जन्म, मार्गदर्शन भी चाहूंगा, और मेरा ये जन्म 1974 का आदरणीय स्वागत है, हाँ। स्वागत है आपका। कोहरे के समान, कोहरे जी के समान ढकी हुई शाम से शहर तक, दुनिया की पैनी निगाहों में कैद, कब तक इस तरह जिंदगी को, कब तक इस तरह जिंदगी को ढकेगा तुम्हारी मायूसियों का बादल। ओहो, आ जाओ हम खोल दें उन दरवाजों को, या तोड़ दें उन खिड़कियों के सींकचे, जिससे तुम और मैं हम बन जाएं, कुछ पल को भूल जाएं दुनिया की रस्में, या फिर एक दर्द जो मुझसे मिला वह तुमसे मिला लेकर जीते रहे हम, ताउम्र पीस के साथ। वजह यह कि तुम्हारा मिलना मेरी आंखों में जज्ब होकर दिल में समा जाना, इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। या फिर दर्द के अथाह समंदर में आग लगाकर हम भी जल जाएं, इसके सिवा और क्या हो सकता है अपने इस नाकाम मोहब्बत का अंजाम।
क्या बात है साहब, ये क्या जाम है, वाह। दो अतुकांत जो है कविताएं मैंने आपके लिए इकट्ठा किया था, बिल्कुल और बिल्कुल, अब एक गीत और देता हूं। स्वागत है, स्वागत है साहब। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं अशोक कदम जी, पर आप बहुत सुंदर। जी, कदम कदम पर मन का पंछी हारा लगता है, हाँ, इधर कदम कदम पर मन का पंछी हारा लगता है, इधर उधर हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता है। और बंद देखें कि जी सांसों में है घुटन और मन जैसे खाली खाली है, सांसों में है घुटन और मन जैसे खाली खाली है, मेरे घर की मावस को दुनिया कह रही दिवाली है, हरे आहा, भरे गुलशन में मन बंजारा लगता है, हरे भरे गुलशन में मन बंजारा लगता बंजारा है, लग, कदम वाह, कदम पर मन का पंछी हारा लगता है, हारा इधर लगता उधर हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता है। है, अंधेरा लगता है, वाह। जी किससे करें शिकायत सबके सब अपने अनजाने हैं, सब सुख चैन निरर्थक हैं जो जीवन से बेगाने हैं, बेगाने हैं, दुनिया का दुख ही अब मुझको प्यारा लगता है, हाँ, इधर उधर हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता है। अगला बंद देखें कि जी साहब जी, जेठ माह की तप्त लहरियों के डस गए ज्वार भाटे, तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम बिन कैसे कैसे दिन काटे, हाँ स्मृति सूची से मन का हर जख्म उभारा लगता है, इधर क्या उधर हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता है। अगला बात है, बंद है, स्वागत। आंखों से बहती जलधारा अब तक थामे थमी नहीं, मेरे सुख की बगिया में है कांटों की कुछ कमी नहीं, सात सुरों का गीत आज आवारा लगता है, इधर हाय, उधर हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता है। क्या और बात है जो सर, जीवन की सत्यता है वो इस बंद में है कि जीवन की आधी यात्रा भी पूर्ण नहीं कर पाया हूं, जीवन की आधी यात्रा भी पूर्ण पूर्ण नहीं कर नहीं कर पाया पाया हूं। हूं, उसका सारा शून्य न किंचित मात्र कभी भर पाया हूं, प्राण स्वयं जैसे अब गम का मारा लगता है, कदम वाह, कदम पर मन का पंछी हारा लगता है, इधर क्या उधर बात, हर तरफ सिर्फ अंधियारा लगता अंधेरा लगता है, क्या बात है अशोक जी, बहुत सुंदर। है। और एक एक और गजल दे रहा हूं आपको बिल्कुल साहब, बिल्कुल, कि शाम सवेरे नाम तुम्हारा रट के इधर उधर, शाम सवेरे नाम तुम्हारा रट के इधर उधर, पंछी जी जैसा मन बेचारा भटके इधर उधर, वाह, बचे ना आखिर आज तुम्हारी यादों के दर्पण, बचे ना आखिर आज तुम्हारी यादों के दर्पण, आंधी की जद में आ करके चटके इधर उधर, और कुछ ऐसे आवाज दे रही रह रह कर यादें, देखिए यादें भी वाह, बिल्कुल, बोलती हैं, कुछ यादें ही बोलती हैं साहब, क्या ऐसे बात है, आवाज दे रही रह रह कर यादें, मन के दरवाजों की सांकल खटके इधर उधर। और ये शेर मुझे बहुत प्यारा लगता है, स्वागत है साहब, अग्निशिखा सी विरह वेदना लिपट लिपट जाती, चाह बवंडर सी ले मुझको भटके इधर उधर, हाय और हाय, हाय हाय, जीवन अग्निशिखा सी विरह वेदना लिपट लिपट जाती,
चाह बवंडर सी ले मुझको भटके इधर उधर, और जीवन का संदर्भ जिंदगी से कैसे जोड़े। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा से रहिए स्वागत है कि साहब, स्वागत जीवन है। का संदर्भ जिंदगी से कैसे जोड़ें, सांसों की डोरी फंस फंस के अटके इधर उधर। आय हाय, आय हाय, वाह वाह, क्या बात है अशोक भैया, बहुत सुंदर, गजब, जीवन बहुत का सुंदर। एक बार और संदर्भ मुकर्रर, जिंदगी, एक बार और ये जी शेर दोहराइए साहब, जी हाँ, मुकर्रर जीवन मुकर्रर, का बहुत अच्छे। संदर्भ, जीवन का संदर्भ जिंदगी से कैसे जोड़ें, सांसों की डोरी फंस फंस के अटके इधर उधर। इधर उधर, क्या बात है। और अब मुझे लगता है 7-8 7 मिनट बचे हैं, तो जी, आप भी आप पढ़िए कुछ कह पढ़िए, आप दीजिए, पढ़िए। नहीं, अरे आप आप पढ़िए, भी आप, कुछ बड़ा कह आनंद दीजिए। आ रहा है, गजब आनंद आ रहा है साहब, आपको सुनने मजा आ रहा है। मैं तो मतलब आनंदित हम हूँ, पढ़ते और रहेंगे मुझे तो तो आपको कुछ कहने का मौका कहाँ से मिलेगा? नहीं, फिलहाल मैं संचालक की भूमिका में हूं, तो जब मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा तो फिर अभी आप मैं भूमिका कहाँ अदा कर रहे हैं? अभी तो आप हमको निरंतर पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपका, देखिए बिल्कुल आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूं हाँ, लेकिन आप संचालक की आदरणीय। नहीं, अध्यापक की भूमिका में नजर आ रहे हैं मुझे। अरे बाप रे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको श्वास लेनी है तो बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए। मैं दो मिनट हाँ दो बिल्कुल दो बिल्कुल, मिनट हाँ, मैं रहूंगा आपके साथ। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अशोक जी, आप बहुत गजब का काव्य पाठ कर रहे थे, सचमुच बड़ा आनंद आ रहा था आपको सुनने के लिए। अब आपको श्वास की आवश्यकता है, मुझे पता है, और अध्यापक की जहां तक आपने बात की, तो अध्यापन जो है मेरे रक्त में है। मेरे पिता जो है वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, मेरी जो दोनों जी बहनें हैं वो अध्यापिकाएं हैं, और एक वाह, मैं ही हूँ जो राजभाषा अधिकारी के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड में आ गया हूँ। वरना सर से लेके पांव तक अध्यापक और अध्यापन मुझ में सिंचित है, बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ है। तो यदि कहीं थोड़ा सा अध्यापक झलक गया हो संचालक के रूप में भी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आप मुझसे आयु में बड़े हैं, प्रसिद्धि में बड़े हैं, यश में बड़े हैं। मैं ऐसे ही ये अपनी चीजें खोल रहा था सामने, तो मुझे जब भी काव्य पाठ की बात आती है तो हमेशा अपने आराध्य जो श्री राम है, मैं उनको जी प्रणाम कर लेता हूं। तो आपको एक घनाक्षरी आपको सुना देता हूं, ताकि आपको सांस आ स्वागत जाए, है। और मैं अपने आराध्य को प्रणाम कर लूं कि राम कहाँ जी कहाँ हैं देखिएगा। और मैंने कोशिश प्रयास किया किया है कि रामायण के पात्रों में श्री राम कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, एक अलग जी प्रयास करने, एक अलग प्रयास है, देखिएगा कि कहाँ कहाँ हैं श्री राम। कौशल्या की गोद में है दशरथ, मोद में है कैकेयी के क्रोध में है, कहाँ नहीं राम जी, कहाँ नहीं है मेरे वाह श्री राम। कि वाह कौशल्या की गोद में है दशरथ, मोद में है कैकेयी के क्रोध में है, कहाँ नहीं राम जी। सिया के दो नैनु में है, लखन के बैनु में है, पंचवटी रैनु में है, कहाँ नहीं राम जी। वाह, नहीं अहिल्या राम की जी, मुक्ति में है, भरत की भक्ति में है, जटायु की वाह शक्ति में है, कहाँ नहीं राम जी। और वाह आंजनेय वक्ष में है, आंजनेय वक्ष में है, सुग्रीवों के पक्ष में है, कर्तव्यों वाह के वाह कक्ष में है, कहाँ नहीं राम वाह जी। वाह, कर्तव्यों के कक्ष में है, कहाँ अच्छा नहीं में राम जी। और जब भी अशोक जी प्रेम की बात आती है तो लोग राधा और कृष्ण का नाम लेते हैं, पर साहब मैं जी प्रेम को अलग ढंग से परिभाषित करता हूँ, एक शब्द चित्र जी रखता हूँ अशोक जी आपके आगे, हाँ, सब बिल्कुल सारे स्वागत दर्शकों, हाँ सारे दर्शकों के आगे, कि है जी। पुष्प वाटिका का वो दृश्य प्रेम का आइकॉनिक सीन है। श्री राम लक्ष्मण के साथ पुष्प चुनने निकले हैं पुष्प वाटिका में, और मेरी माँ सीता, वो भी माँ गौरा को मनाने, माँ गौरा की पूजा करने, वो भी पुष्प चुनने पुष्प वाटिका में निकली है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और प्रेम की मर्यादा की पराकाष्ठा देखिए इस घनाक्षरी में। अगर आनंद आ जाए
तो मुझे आशीष दीजिएगा अशोक जी, पर हमने भूमिकाएं परिवर्तित कर ली स्वागत है, मैं कवि के रूप में आ गया हूँ, आप संचालक के रूप में आ गए, तब मैं आपसे जी। कहता हूँ तब ये घनाक्षरी देख लीजिए, मेरे मन की घनाक्षरी है, और जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके चरणों में रखता हूँ, देखिए। स्वागत। पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से, तो रूप राशि देख कर थम गए राम जी। लक्ष्मण से कह वाह रहे हैं कि लगता है आज कामदेव ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लक्ष्मण, हम रघुवंशी वैसे वाह, तो परनारी को देखते नहीं है, लेकिन आज चाह के भी आंखें रुक नहीं पा रही हैं। तब कहता हूं आपसे कि पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से, तो रूप राशि देख कर थम गए रामू जी। जानकी के नैनू में तो नीरज से, नैनो वाले धीरज के धाम तपी जम गए रामू जी। वाह, पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से, तो रूप राशि देख कर थम गए रामू जी। जानकी के नैनू बड़ा में तो नीरज से, नैनो वाले धीरज के धाम तपी जम गए रामू जी। राम की डगर चली अगर जनक लली, मैथिली से कहां जरा कम गए रामू जी। और रमा बड़ा रमी रामू में तो, रमा रमी रामू में तो, रमा बड़ा में ही कंठ कंठ रघुकुल रीत जैसे रम गए रामू जी। रघुकुल रीत जैसे रम गए रामू जी। जी बढ़िया। और अगर हम श्री राम के चरणों में अपने पुष्प निवेदित करें और माँ जानकी जी के चरणों में नहीं करें तो अन्याय हो जाएगा। माँ अन्याय जानकी को होगा समर्पित एक जी और घनाक्षरी आपको दे देता हूं, फिर मैं आपका एक गीत सुन लूंगा। जी जानकी जी क्या हैं, और क्या जानकी जी, क्या श्री राम ने रावण को मारा? दो दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं। पहले तो ये कि जानकी जी हैं क्या, देखिएगा कि जनक दुलारी है वो, मिथिला की प्यारी है वो, अवधपुरी की सिया मन प्राण सी ही है। शिव जी का धनु धरे चकित जगत करें, रूप गुणशील की तो एक खान सी ही है। राम जी की शक्ति सारी, रावण से जो न हारी, लव कुश में है तारी, कथान की सी है। और राम से है राम यदि केवल जगत में, तो माता जानकी की जैसी बस जानकी जी है। माता जानकी वाह के जैसी बस जानकी जी है। और सारी दुनिया ये कहती है कि रावण को राम ने मारा, पर मैं कुछ अलग सी बात कहता हूँ साहब। मैं कहता हूँ रावण को तो सीता जी ने अशोक वाटिका में ही मार दिया था। कैसे मार दिया था वो सुन लीजिए, फिर आपका गीत सुनते हैं साहब। चलिए स्वागत। कैसे सीता जी ने रावण को अशोक वाटिका में ही मार डाला, वो तो मरा हुआ था जिसे श्री राम ने मारा। सुनिएगा कि दृष्टि एक डाली नहीं, दुष्ट अभिमानी पर धरती की धीरता को धार गई जानकी। वाह दृष्टि एक डाली नहीं, दुष्ट अभिमानी पर धरती की धीरता को धार गई जानकी। साम दाम दंड भेद छल बल श्याम श्वेत, डरे बिना सागर में डार गई जानकी। और अस्त्र शस्त्र छुआ नहीं, युद्ध कहीं हुआ नहीं, तृण के सहारे से ही तार गई जानकी। और राम जी ने मारा है ये सबने बताया, पर रावण को वाटिका में मार गई जानकी। बहुत रावण को अच्छा, वाटिका में मार गई जानकी। बहुत तो अच्छा अशोक जी, मैंने आपको एक ब्रेक दे दिया, और अब मैं चाहता जी। हूं मैं आपसे फिर से बहुत सुंदर सी गजल सुनू। आप बहुत सुंदर गजलें सुना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप, आपका वैसे जो मन हो वो आप सुनाए, पर मैं चाहता हूं कि आप एक बढ़िया सी गजल हमें सुनाए, और उसके जी बाद फिर हम अगले कवि को आमंत्रित करेंगे। भूमिका जी भी हमारे साथ संपर्क में हैं, मैं उनसे अभी अच्छा निवेदन कर देता हूं कि वो आप अगले कवि से संपर्क साध लें, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जी, जाएं। तब तक आप एक गीत और एक गजल कम से चलिए कम मैं एक हमें एक सुनाए। एक गजल और दे रहा हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है साहब आपका। जीने की खातिर जीवन में तुम मुझको संबल दे देना, मेरा आहा, आज अगर विचलित हो मुझको बीता कल दे देना। आय अब हाय आय कविता, हाय, जीने की खातिर जीवन में तुम मुझको संबल दे देना, मेरा आज अगर विचलित हो मुझको बीता कल दे देना। और कविताओं की पगडंडी पर चलते चलते भटक गया हूं,
कविताओं की पगडंडी पर चलते चलते भटक गया हूं, अपनी जुल्फों के साये में मुझको एक गजल दे देना। आय हाय आय हाय, पथरा क्या बात। पथरा गई पुतलियां मेरी, आज तुम्हारी बाट जो होते, एक बार फिर मिलन सरीखे, मुझको बीते पल दे देना। और खुशियों के कुछ इने गिने पल इस जीवन में शेष बचे हैं, और प्रतीक्षा करूं इसलिए सांसें मुझे अचल दे देना। आय हाय आय हाय आय हाय, खुशियों के कुछ इने गिने पल इस जीवन में शेष बचे हैं, और प्रतीक्षा करूं इसलिए सांसें मुझे अचल दे देना। और खेतों की मिट्टी सूखी है, दूर दूर जलहीन जलाशय, हरियाली सावन की लाकर मुझको नई फसल दे देना। आहा हा हा आज बहारें नतमस्तक हैं तेरे मादक रूप अयन में, मुझ आवारा प्यारे गुलशन को थोड़ा सा जल दे देना, जीने वाह की वाह, खातिर जीवन। धन्यवाद, मेरा समय समाप्त हो रहा होगा, हो चुका होगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गई हैं रूबी जी। रूबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, आप 1 मिनट रुकिएगा बस। रूबी जी, आप मुझे जी सुन पा रहे हैं? रूबी जी, रूबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज दीजिए। अशोक जी, आपको रूबी जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना? रूबी जी का आप अपना चेहरा दिखाई माइक, दे रहा है, आवाज नहीं। हाँ, चेहरा दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रही। रूबी जी, आप एक बार नमस्कार कहेंगे? नमस्कार रूबी जी। हाँ सर, वो नमस्ते आप माइक सभी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अशोक जी, मैं चाहता हूं एक मुक्तक से आप अपने इस काव्य पाठ का समापन करें। आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं, वो बिल्कुल आनंदित हुए हैं, वो गहरे सागर में गोते खा रहे हैं आनंद के। आपने बिल्कुल चलिए, गजब किया है। मैं चाहता हूं जाने से पहले आप एक मुक्तक सुनाते हमें जाए, और फिर मैं इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल एक मुक्तक। जी जी चलिए, मैं भगवान श्री राम पर है। भगवान श्री राम हाँ हाँ आपके भी हाँ आराध्य देवता है, कि बिल्कुल गैर के बिल्कुल हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, हाँ गैर के हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, आंधियों में हवाओं के रुखों को मोड़ देते हैं, मोड़ और देते जहां हैं। अस्मिता की बात आती है वहां देखो राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं, वाह जहां वाह पर वाह, अस्मिता की बात आती है वहां देखो राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़ देते हैं। वाह वाह बहुत ही वाह सुंदर, बहुत साहब, बहुत सुंदर, तो बहुत 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 अब बहुत 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 धन्यवाद अशोक जी। मैं आपको धन्यवाद दे दूं। मैं धन्यवाद मैं अच्छा आपको दूंगा साहब, आज धन्यवाद देने की अच्छा भूमिका में मैं जी, हूं। आपने बहुत शानदार अशोक जी काव्य पाठ किया। मैं चलिए अपनी ओर बहुत से, पटल की ओर से, और सारे श्रोताओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर आपको जी यशवान करे, आप जैसे ही प्रसिद्धि पा रहे हैं वैसे ही और ज्यादा प्रसिद्धि पाए, आप हिमालय छुए प्रसिद्धियों के। मेरी यही ईश्वर से कामना है, राम जी से, महादेव से मेरी यही कामना है। आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूं, आपने अपना समय दिया इस अनवरत काव्य यात्रा में, इस अनवरत काव्य यज्ञ में आपने अपनी संविधाएं डाली, इसके लिए मैं आपको आभार जी व्यक्त करता हूं। आपके साथ ऐसे ही संपर्क बना रहेगा।